Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Aryum sir. Today we shall discuss further the beautiful poem composed by William Wordsworth, a Tintin Ave. Tintin Ave is a very beautiful and masterpiece composed by William Wordsworth. Dear student, हम discuss कर रहे थे कि कभी ने जाने कितनी बार how often has my spirit turned to thee, मेरी अंतरात्मा शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हारी ओर मुड़ी है. अर्थात टिंटन अवे के सुंदर दृश्यों को याद करके कवि ने जाने कितनी बार अपने मन को संतोष दिया है, शांति दी है. एंड नाउ और अब विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, अब मुझे अपने अतीत की कुछ धुंधली हुई विचार कौंद रहे. ग्लीम्स का मतलब कौंदना होता है, याद आना. विद मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेट, मैनी रिकॉग्निशन का मतलब है मेमोरी, यादें. डिम एंड फेट जो धुंधली हैं, क्या है, धुंधली हैं, धुंधली यादें अब मेरे मस्तिष्क में कौंध रही हैं. एंड समवाट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, कभी कुछ कुछ दुख भी पैदा करती हैं. मैं बल देता हूँ वो याद नहीं आती हैं, इस बात का मुझे थोड़ा दुख होता है. द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, अब मेरे मस्तिष्क में वो तस्वीरें पुनः जीवित हो रही हैं, पुनः मेरे सामने आ रही हैं. वेल हियर आई स्टैंड, जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, यानी यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जब वो 1793 में टिंटन अवे देखने आए थे, जब बाई नदी के किनारे पर खड़े हुए थे. नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, ओके, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, ये भी वो कहते हैं कि उस नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, ऐसा भाव नहीं था मेरा टिंटन अवे के प्रति जो 1793 में भाव था, अब उस भाव के साथ मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ. पहले खड़ा हुआ था, अब भी खड़ा हुआ हूँ. नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, आज जितना आनंद आ रहा है इन दृश्यों को पुनः देख करके, उतना आनंद उस समय नहीं था. यानी मेरा प्रकृति को देखने का नजरिया बदल गया. बट विद प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स, ऐसा लग रहा है कि इतना आनंद आ रहा है, आनंद वाले विचार हैं जो इस समय मैं ले रहा हूँ, और आशा करता हूँ भविष्य में भी ये मुझे आनंद देंगी. एंड सो आई डेयर टू होप, इसलिए मैं आशा करने की साहस करता हूँ. दो चेंज्ड, यद्यपि कुछ परिवर्तन हुआ है, यद्यपि मेरे विचार बदले हैं, नो डाउट, निसंदेह, फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट, उससे जब मैं पहली बार था, व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स, जब मैं पहली बार आया था इन पहाड़ियों के बीच में, उस समय मेरा इनको देखने का, इनको समझने का विचार अलग था, आज अलग है. उस समय क्या था, वैन लाइक अ रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, मैं एक हिरन की भांति, मैं रो मीन्स होता है डियर स्टूडेंट हिरन का बच्चा, रो, वैन लाइक अ रो जैसे एक हिरन का बच्चा, आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, बाउंडेड का मतलब उछल कूद करना, जो कि पर्वतों पर उछल कूद करता है, बाई द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स, गहरी नदियों के किनारे पर, एंड द लोनली स्ट्रीम्स, और एकांत में बहने वाली छोटी छोटी नदियों के किनारे, वेयर एवर नेचर लीड, नेचर लीड, जहाँ प्रकृति ले जाती थी, उस जगह में एक हिरन के बच्चे की भांति प्रकृति के सुंदर सुंदर उपादानों को देखने के लिए दौड़ता रहता था. मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स, उस व्यक्ति के, देखिए पहले कवि ने तुलना की है अपनी किससे तुलना की है, रो से, एक बच्चे से, हिरन के बच्चे से, अब वो तुलना करा उस व्यक्ति से, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स,
कोई व्यक्ति किसी से डरता और डर की वजह से उससे दूर भाग रहा है, उसी तरह से वो प्रकृति के पीछे भागता था। देन वन हु सॉट द थिंग ही लव्ड, उसकी तरह से नहीं, जो व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित होता है और खोजता है उसके पीछे दौड़ता है, प्रेम करता है। नहीं नहीं वह एक आनंद के लिए प्रकृति को बाधानों के लिए पागल रहता था, उसकी बहुत ज़्यादा भूख थी। फॉर नेचर देन, तब प्रकृति, द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज, मेरे लड़कपन के दिनों के लिए तो एक घटिया आनंद था। दियर ग्लेड एनिमल मूमेंट्स ऑल गॉन बाई, वो सारे पल, वो सारे दिन चले गए। टू मी वॉज ऑल इन ऑल, जिस समय प्रकृति सब कुछ थी। आई कैन नॉट पेंट, पेंट का मतलब डियर स्टूडेंट एक्सप्रेस करना, मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। वॉट देन आई वॉज, मेरे लिए पहले प्रकृति क्या थी। द साउंडिंग कैटारेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन, द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वूड, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपीटाइट। डियर स्टूडेंट, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लें, मैनी मैनी टाइम्स, कईयों बार ये लाइन आपके TGT एंड PGT एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। द साउंडिंग कैटारेक्ट, शोर करता हुआ झरना, हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, मेरे अंदर तीव्र भाव के साथ उद्वेलित होता है, याद आता है, प्रफुल्लित करता है, बुलाया नहीं जा सकता। एंड द डीप एंड ग्लोमी बूड, और ये गहरे, हॉन्टेड मी सॉरी लाइक अ पैशन, पैशन का मतलब डियर स्टूडेंट होता है तीव्र भाव। द टॉल रॉक्स, ये ऊंची ऊंची चट्टाने, द माउंटेन्स पर्वत, डीप एंड ग्लूमी वुड, और ये सघन और गहरे अंधकार युक्त जंगल। देयर कलर्स, इनके रंग, एंड देयर फॉर्म्स, इनके रूप, वर देन टू मी एन एपीटाइट, उस समय मेरे लिए एक भूख थी, ये मेरा भोजन थे, इससे मेरी भूख शांत होती थी। ओके डियर स्टूडेंट, कितनी सुंदर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन प्रेजेंटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कहते हैं डियर स्टूडेंट, ही एंजॉयड ऑल द नेचर थिंग्स ओनली द सेंसुअस प्लेजर एज द बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू एंजॉय रफ प्लेजर। यानी लड़कपन में दूसरा आनंद होता है, जब मैच्योर हो गया है तो उसे सेंसुअस प्लेजर आ रहा है। दोज डेज आर ओवर व्हेन वर्ड्स वर देयर वाज नथिंग एज इम्पोर्टेंट एज नेचर, वर्ड्स फेल टू डिस्क्राइब पोइट्स ओवर जॉय सीइंग नेचर ऑपोजिट देन। द नोइजी वाटरफॉल कुड नॉट बी फॉरगॉटन फॉर अ मोमेंट, ये साउंडिंग कैटारेक्ट बुलाया नहीं जा सकता। ओके डियर स्टूडेंट, एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट देन द नोइजी वाटरफॉल्स कुड नॉट बी फॉरगेटन फॉर अ मोमेंट, ही वुड लाइक टू सी द रॉक्स माउंटेन्स डेंस फॉरेस्ट अगेन एंड अगेन। कभी चाहता है कि मैं बार बार इन बूट्स को, रॉक्स को, माउंटेन्स को, और ये साउंडिंग कैट फॉल्स को, कैटारेक्ट को मैं देखता रहूं। अगेन डियर स्टूडेंट रिकैप, द साउंडिंग कैटारेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पेशन, ये शोर करते हुए झरने मेरे तीव्र विचारों को उद्वेलित करते हैं। द टॉल रॉक, ऊंची चट्टाने, द माउंटेन्स पर्वत, डीप एंड ग्लूमी वुड, गहरे और अंधकार युक्त जंगल, देयर कलर्स इनके रंग, देयर फॉर्म्स इनके रूप, वर देन टू मी एन एपीटाइट, उस समय मेरी भूख थी, मेरी पसंद थी। अ फीलिंग एंड अ लव दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोट चार्म, भावना और प्रेम, ये भावना प्रेम दैट हैड नो नीड, इनको अब आवश्यकता नहीं है ऑफ अ रिमोट चार्म। रिमोट का मतलब है डियर स्टूडेंट, रिमोट मीन्स रिमोटर, रिमोटर का मतलब अदर, चार्म मीन्स है प्रसन्नता।
प्रकृति को देखने के बाद किसी अन्य प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है। बाई थॉट सप्लाइड, जो किसी के विचारों से आए, नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, किसी विचारों से नहीं, मैंने जितना भी प्रकृति में आनंद लिया है अपनी दृष्टि से लिया है, आंखों के माध्यम से लिया है, मैं इनका बड़ा अनबोरोड हूं। द टाइम इज पास्ट, अब वो समय गुजर गया है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयस आर नाउ नो मोर। ब्यूटिफुल फिगर ऑफ स्पीच डियर स्टूडेंट, ऑक्सीमोरन विरोधाभास है, एकिंग जॉयस, एकिंग मीन्स दर्द, जॉयस मीन्स आनंद। वो दिन गुजर गए जब मुझे प्रकृति में इतना आनंद आता था कि मुझे दर्द देता है अब। एकिंग जॉयस आता है, वेरी फेमस एग्जाम्पल है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयस आर नाउ नो मोर, अब वो अत्यधिक आनंद वाले दिन नहीं रहे। एंड ऑल ये डिजी रैप्चर्स, डिजी रैप्चर्स का मतलब डियर स्टूडेंट होता है नशायुक्त, नशायुक्त मंत्र मुग्ध, ऐसे में खो जाता था प्रकृति में जैसे मुझे नशा हो गया हो। डिजी रैप्चर्स, नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मॉर्न नॉर मर्मर, इस समय के गुजर जाने पर, इन विस्मृतियों के धुंधले हो जाने पर मुझे कोई विलाप नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। फेंट आई नॉर मोर नॉर मरमर, मैं कोई बुदबुदाहट नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड फॉर सच लॉस, इस हानि के बदले मुझे अन्य उपहार भी प्रगति ने दिए हैं। आई वुड बिलीव एबेंडेंट रिकम्पेंस, मैं उनको बहुत ही अधिक मुआवजे के रूप में देखता हूँ। मेरा नुकसान हुआ है तो मुआवजे के बतौर, रिकम्पेंस का मतलब मुआवजा होता है, मुझे अन्य चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं डियर स्टूडेंट। फॉर आई हैव लर्नड टू लुक ऑन नेचर, क्योंकि मैं सीख गया हूँ नेचर के प्रति, मेरा जो विचार है वो बदल गया है। नॉट एज इन द आर ऑफ थॉटलेस यूथ, अब मेरा विचार वैसा नहीं है जैसे युवावस्था में हुआ करता था। बट हियरिंग ऑफ 10 times, बल्कि मैंने बट हियरिंग ऑफन, 10 नहीं है डियर स्टूडेंट, ऑफन, ऑफन अलग पढ़ो, टाइम्स अलग पढ़ो, बट हियरिंग ऑफन टाइम, प्राय मैंने सुना है। डियर स्टूडेंट लाइनों को अच्छे से देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन एंड इम्पोर्टेंट लाइन है डियर स्टूडेंट। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमेनिटी, नॉर हार्स नॉट ग्रेटिंग, दो ऑफ एम्पल पार टू चीजन एंड सबड्यू। अगर आप प्रीवियस पेपर, एग्जामिनेशन पेपर देखें, टीजीटी पीजीटी, ये लाइन कई बार, मेनी टाइम दीज लाइन्स हैव बीन कोटेड इन एग्जामिनेशन। ये ब्यूटीफुल लाइन डियर स्टूडेंट टिंटन ने की है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, कभी मानवता के राग को सुनता है, दुखद राग को सुन रहा है प्रकृति में। नॉर हार्स नॉर ग्रीटिंग, नॉर हार्स रूखाई नहीं बल्कि क्रोध पैदा होने वाला, अब उसको सुन करके न रूखापन महसूस होता है कभी को, न क्रोध आता है, क्योंकि दो ऑफ एम्पल पार्ट टू चेजन एंड सबड्यू, क्यों उस राग में, उस प्रकृति में जो सुनता है बैठ करके सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी, उस राग में पर्याप्त शक्ति है उसको पवित्र करने की, एंड सबड्यू। सबड्यू का डियर स्टूडेंट होता है, आप लेंगे कि इंस्पायर करती है, पवित्र करती है चीज़ों को, क्या करती है, पवित्र कर देती है प्रकृति और नियंत्रित करती है। सबड्यू का मतलब कंट्रोल करना, प्रकृति में इतनी पर्याप्त शक्ति है, एम्पल पार का मतलब पर्याप्त शक्ति है कि वस्तुओं को, उन विचारों को जो कर्कश है उन्हें पवित्र कर सके और उन्हें नियंत्रित कर सके। सिंपल इंग्लिश में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, ही ऑफन हियर्स इन नेचर साइलेंट एंड सीरियस म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, इट डज नॉट सीम हार्स और एनोइंग, ग्रीटिंग का मतलब एनोइंग, इट मे बी साइलेंट बट इट इज ऑफ ग्रेट पार्ट टू प्यूरिफाई, ये शांत हो सकते हैं
ये कर्कश राग शांत हो सकता है लेकिन इसमें पर्याप्त शक्ति है। इट इज ऑफ ग्रेट पावर टू प्योरीफाई एंड कंट्रोल इज सोल, अपनी उस आत्मा को नियंत्रित करने के लिए, उसे पवित्र करने के लिए उसमें पर्याप्त शक्ति होती है। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस, और मैंने महसूस किया है। डियर स्टूडेंट, यह वर्ड है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है इनविजिबल पावर। कवि कहता है कि मैंने अदृश्य शक्ति को महसूस किया है, दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय। डियर स्टूडेंट, डिस्टर्ब का मतलब व्यवधान पैदा करना नहीं है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में अगर जाएंगे तो डिस्टर्ब का मतलब डिस्टर्ब ये नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब होता प्रभावित करना, इन्फ्लुएंसेस करना। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस, मैंने एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है, दैट डिस्टर्ब्स मी, जो मुझे प्रभावित करती है विद जॉय, आनंद के साथ, ऑफ एलिवेटेड थॉट, उच्च विचार देती है। एलिवेटेड का तो उच्च विचार देना। अ सेंस सबलाइन, अ सेंस सबलाइन, वेरी हाई, बहुत ही उच्च भाव के विचार देती है, ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। ऐसा लगता है ये उच्च विचार का भाव प्रत्येक चीज में गहराई से मिला हुआ है। हुज ड्वेलिंग, वह अदृश्य शक्ति निवास करती है। ये भी डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। हुज ड्वेलिंग इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, वह अदृश्य शक्ति का निवास छिपते हुए सूर्य के प्रकाश में होता है। एंड द राउंड ओशियन, इस बहते हुए महासागर के पानी में होता है उस अदृश्य शक्ति का। एंड द लिविंग एयर, बहती हुई हवा में होता है। एंड द ब्लू स्काई, इस नीले आसमान में होता है। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, मनुष्य के मस्तिष्क में उस अदृश्य शक्ति का भाव होता है। अमोशन एंड स्प्रिट, वो चलती रहती है, गतिमान रहती है प्रत्येक आत्मा में। दैट इम्पेल्स, जो विवश कर देती है ऑल थिंकिंग थिंग्स, सभी वस्तुओं को सोचने के लिए। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट, सभी वस्तुएं विचारणी हैं। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और सभी वस्तुओं में वह निवास करती है अदृश्य शक्ति। देयरफॉर, इसलिए एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द मीडोज, मैं अभी भी इन चरागाहों का प्रेमी हूँ। एंड द वुड्स, इन जंगलों का। एंड माउंटेन्स, इन पर्वतों का। एंड ऑफ ऑल दैट, और उन सभी चीज़ों का प्रेमी बन गया हूँ। दैट बी बीहोल्ड, जिन्हें मैं देखता हूँ, फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस हरी भरी पृथ्वी पर। ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड, और जो शक्तिशाली संसार है, ऑफ आई एंड ईयर, बोथ व्हाट दे हैव क्रिएट, जो हमारी आँखें देखती हैं और कान सुनते हैं, बोथ, दोनों ही, व्हाट दे हैव क्रिएटेड, उन्होंने आधा निर्माण देखा है। एंड व्हाट परसीव, जो आप समझते हैं, वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, इसको आप प्रकृति की भाषा में, समझ की भाषा में। कवि, डियर स्टूडेंट, कहना चाह रहा है कवि, द पोइट हैज बिकम टोटली द प्रिस्ट ऑफ नेचर। पैंथिज्म शो हो रहा है डियर स्टूडेंट, यही लाइनें हैं जो शो करती हैं कि वर्षपद वॉज द वर्षपद ऑफ पैंथिज्म, ईश्वरवाद था, कणवाद था, प्रत्येक कण कण में वो प्रभु की सत्ता को महसूस करता है। डियर स्टूडेंट, प्रभु की सत्ता को महसूस करता है और प्रकृति में उसे हर चीज में वो अदृश्य शक्ति नजर आती है, जो उनके विचार को, कवि के विचारों को उद्दत बनाती है, हाई बनाती है। एंड ही बिकम्स अ प्योर प्रिस्ट ऑफ नेचर, दैट इज वाई वी कॉल विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ पोइट ऑफ नेचर, इज अ पोइट ऑफ पैंथिज्म। डियर स्टूडेंट, आज का पार्ट यहीं पर रोकेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी डिस्कस इन फर्दर वीडियोज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।